चलो हो गया शुरू। देखो बच्चों, फिर से ग्राफ बना रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। यस सर। वाई एक्सिस पर वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पर टाइम। ऑब्जेक्ट जो था वो चल रहा था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी? यू। वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? यू से। और फिर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये मूव कर रहा है टाइम के साथ साथ, इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, फाइनल चेंज होकर कितनी हो गई है? वी हो गई है। इसमें कितना टाइम लगा इसको? वी। ये हो गया हमारा ग्राफ क्लोज। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। ये किस चीज का ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ओके, सो एरिया अंडर द ग्राफ, बेसिकली ये वाला सारा एरिया जो इस ग्राफ के अंडर आ रहा है। यस सर? नो। यस सर। अच्छा, एक चीज बहुत ध्यान से देखना, क्या ये पूरा ग्राफ दो पार्ट में बटा हुआ है? एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। क्या ये जो पूरा एरिया है, जो एरिया अंडर द ग्राफ आ रहा है, वो पूरा एरिया दो शेप में डिवाइडेड है? एक तो हो गई ट्राइंगल और दूसरी कौन सी हो गई? कितने लोगों को ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में? ठीक है, चलिए इसको नेम देते हैं, ए बी सी डी और पांच पॉइंट्स आ रहे थे, पांचों पॉइंट्स पर हमने नाम दे दिया। ये जो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। तो एरिया की जगह क्या लिख सकता हूँ? एस लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? अच्छा, इसका जो एरिया है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक ट्राइंगल का एरिया और एक रेक्टेंगल। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर मैं इस ट्राइंगल का और इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस कर दूं, तो मेरे पास पूरा एरिया अंडर द ग्राफ आ जाएगा। यस सर। और एरिया अंडर द ग्राफ है किसके इक्वल? डिस्प्लेसमेंट। इसलिए मैंने डिस्प्लेसमेंट को किसके इक्वल रखा है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल रखा है। ठीक है, चलो ध्यान से सुनो, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है? नो सर। यहाँ पर एरिया अंडर द ग्राफ की जगह हमने क्या लिख देना है? एस। फिर हमने देखा कि भाई एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो दो फिगर्स में डिवाइड हो रहा है, एक तो ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया अलग से निकालू और ट्राइंगल का एरिया अलग से निकालूं और दोनों को ऐड कर दूं, तो एरिया अंडर द ग्राफ आ जाएगा। यस सर। तो मैंने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला, दोनों को क्या करा? yes. प्लस करके एरिया अंडर द ग्राफ आ जाएगा। यस सर। एरिया अंडर द ग्राफ है किसके इक्वल? yes. इसलिए उसे एस के इक्वल होती है। कितने लोगों को यहाँ तक बात क्लियर हो गई? हजम हो गई? हजम भी हो गई। चलो आगे, ये अभी तो बताया था मैंने स्टार्टिंग, जब हमने स्टार्ट किया था तभी मैंने लिखवाया था ना आपको कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, चलिए और खिलाऊं आप लोगों को भी, डाइजेस्ट करते हैं और थोड़ी थोड़ी चीजें डाइजेस्ट करते हैं, जल्दी जल्दी ध्यान दो। इधर एस को ऐसे ही रखना है, एस को ऐसे ही रखना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। एल इंटू बी लिखो फिर ऑल सिंबल्स हो जाएंगे, वैसे इतने सारे सिंबल्स चल रहे हैं तो पूरा तरीके से लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था? हाफ इंटू बेस इंटू की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से काम हो जाता है। ओके, एनी डाउट टिल नाउ?
नो सर। तो एस इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ किस जगह आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह क्या लिखा है? कितने लोग यहाँ तक आ गए? सब लोग आ गए, कोई रुका तो नहीं पीछे? नो सर। किसी की एक्टिव एडवेंचर तो नहीं है? चलो बच्चों, इसकी लेंथ, लेंथ का नाम, नाम बताओ। लेंथ का नाम क्या हो गया? बीसी। ब्रेथ? बीसी। या बीसी, एक ही बात है। यस सर। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। यस सर। तो चाहे एबी लिखो चाहे बीसी, एबी लिख दूं? यस सर। मुझे पसंद है एबी, इसलिए मैंने एबी। आपको डीसी पसंद होगा, डीसी। कोई दिक्कत? नो सर। चलो, लेकिन लिख के मत आना, ये मत, लिख के जरूर आना। सॉरी, लिख के जरूर आना, ये मत कहना कि मुझे तो दोनों ही पसंद नहीं है। थोड़ा शब्दों का खेल हो गया मेरे साथ। हाफ इंटू बेस इंटू हाई। बीस, बेस का क्या नाम है? ए बी। इंटू हाइट, हाइट ये है? ए, क्या नाम है इसका? ए, इसमें कोई डाउट है? नो सर। तो देखो, डिस्प्लेसमेंट जो था वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाया हमने लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया हाफ इनटू ब्रेथ। फिर लेंथ को हमने देखा, लेंथ का नाम क्या है? बीसी। और ब्रेथ का नाम क्या है? एबी। ठीक है, प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमने ट्रायंगल का बेस देखा, ट्रायंगल के बेस का नाम एबी। हाइट देखी, हाइट का नाम? यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। हमने सबके नाम दे दिए ग्राफ के अकॉर्डिंग। अब हम ग्राफ के अकॉर्डिंग इन सबकी वैल्यूज को पुट करेंगे। एस तो एज इट इज चलता रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या चलता रहेगा? yes. ये कौन सी इक्वेशन के लिए कर रहे हैं हम? सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में देखो ऐसी आ रहा है। yes, sir. तो एक चीज तो आ गई हमारे पास, बाकी चीजें हमें निकालनी है। तो और बताओ, यहाँ पर बीसी की जगह क्या लिखेंगे? बीसी की वैल्यू क्या है बच्चों? टी। सौम्य, एबी की वैल्यू बताओ। यू। एबी की कितनी वैल्यू है बच्चों? यू। तो एबी की जगह क्या लिख देंगे? यू। कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। प्लस हाफ एज इट इज सर। एडी, एडी ये है, क्या ये इसके इक्वल होगा? यस सर। सोच समझ के देख के बताना। यस सर। एडी इसके इक्वल होगा? यस सर। कसम से बताओ। यस सर। पक्का? यस सर। मेरी तो नहीं खाने। एडी किसके इक्वल होगा? बीसी है, और बीसी कितनी है? टी। तो हाफ इंटू टी। अब क्या बचा? ईडी। बताओ ईडी की वैल्यू बताओ। वी तो ईसी है। ईडी की वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं, वो ये था। ईडी सिर्फ इतने पार्ट की चलाओ, तेज दिमाग चलाओ ना। जब मैं बीसी बोल रहा था तब तो बहुत दिमाग चल रहा था तुम लोगों के, अब चलाओ दिमाग। ईडी बताओ क्या होगा? अपॉन टी नहीं आएगा, बस वी माइनस यू आएगा। देखो देखो देखो, ये पूरा वी है, हाँ है ना? ये इतना यू है। देखो ये पूरा क्या है? ये पूरा कितना है? यू। भाई ये इतना यू है तो ये भी क्या होगा? हाँ है ना? yes, sir. मुझे ये निकालना है, तो V में से अगर मैं U को माइनस कर दूं तो ये बचेगा? yes, sir. दोबारा देख लो, ये U है तो ये भी U. ये पूरा क्या है? B. मुझे सिर्फ इतना पार्ट निकालना है, तो पूरे में से पूरा क्या है? V. उसमें से U को क्या कर दूं? माइनस। तो क्या आ जाएगा? A. U. ED आ जाएगा। V माइनस U क्या हो जाएगा? ED. A नहीं आ रहा है यहाँ पर, ए अलग चीज है। ए हो गया एक्सेलरेशन। हम एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ग्राफ के अकॉर्डिंग ईडी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ईडी। मुझे डायरेक्टली ईडी की वैल्यू बतानी है, देख लो एक बार सब लोग। पहले ये देखो, इतना यू है तो ये भी यू। ये चीज क्लियर है? यस सर। ये पूरा कितना है? वी। वी है,
तो ये पार्ट कितना हुआ? V-2. भाई ये पूरा V है, इसमें से U को हटा दो तो क्या बचेगा? V-2. V-2 करके क्या आ जाएगा? ED. ये पूरा V है, इसमें से U को हटा दिया, आगे ED. Yes, ये पूरा V है, इसमें से U को हटा क्या बचा? ED बचा है. ED किसके को लिख दूंगा? V-2. कितने लोगों को ये बात क्लियर हो रही है? क्रिश क्लियर है? गर्ल्स में सबको क्लियर है? पक्का? यस सर. चलो देखो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है बच्चों, हमारे पास सिर्फ ईडी की वैल्यू निकालनी थी. ईडी की वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट नहीं थी, फिर मैंने अपना दिमाग चलाया, मैंने देखा कि ये तो पूरा कितना है वी और ये पार्ट है यू, तो मैंने वी में से यू को माइनस, तो मेरे पास ईडी आ गया. यस सर. तो ईडी आ गया वी माइनस यू, तो ईडी की जगह क्या लिखेंगे? वी माइनस. बताओ मैंने क्या गलती की है? ब्रैकेट लगाना है ना मल्टीप्लाई में, वो किसमें? अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा तो इसका मतलब सिर्फ किससे मल्टीप्लाई हो रही है? और जबकि मल्टीप्लाई हो किससे रही है? कटिंग. कोई डाउट है इसमें? No, तो देखो सारी वैल्यूज को पुट करना बहुत आसान है, बस ईडी में हल्का सा कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन दूर हो गया क्या? Yes, sir. Getting? Yes, sir. Any doubt? No, sir. आपको भी क्लियर हो गया? अक्षांश. Yes. दक्ष, कुशाल, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? No. चलिए आगे चलते हैं. टी इंटू यू या यू इंटू टी लिख सकता हूँ? Yes, देखो मल्टीप्लाई में आगे पीछे चल जाता है, 3 4 12 और 4 3 बताना सोच के, 12. वो भी 12 ही आता है. Yes, तो मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे. Yes, तो टी इंटू यू यू इंटू टी, कोई दिक्कत इसमें? ओके. प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू. अब यहाँ तक कितने लोग पहुंच गए? पहुंच चुके हो? Yes, उतारने को नहीं कह रहा हूँ, यहाँ तक दिमाग बोल से पहुंच गए कि यहाँ तक कैसे है. Yes. अब इसको ना कंपेयर करो उस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से जो हमें निकालनी है. यही है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. Yes, क्या है? S इक्वल्स टू यू टी प्लस आर ए टी स्क्वायर. यहाँ पर देखो आपको S चाहिए. Yes, है यू टी चाहिए. Yes, हाफ चाहिए. Yes, टी चाहिए. Yes. वी आ रहा है एक्स्ट्रा. कौन आ रहा है? वी आ रहा है. वी और यू एक्स्ट्रा आ रहे हैं, है ना? Yes, ना वी चाहिए और ना ये वाला यू चाहिए, राइट? तो मुझे इनको हटाना पड़ेगा, अभी आएगा. फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास क्या चीज आ गई है और क्या चीज एक्स्ट्रा है. कौन है एक्स्ट्रा? तो इसको हटाना पड़ेगा, गैप करना पड़ेगा, हाँ है ना? ठीक है, तो इसको हटाने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत है. Yes. जब हमें जरूरत होती है तो हम कहाँ जाते हैं? Bank. हमारे बैंक अकाउंट में क्या पड़ा है? क्या पड़ा है? तो वी की जगह क्या लिख सकता हूँ? हमें वी नहीं चाहिए ना, हमें वी का कोई भी काम नहीं है, तो V की वजह के क्या लिख देंगे? इसको इसलिए हमने किस में डाला था? बैंक अकाउंट में रखा हुआ था. ठीक है, कोई डाउट है इसमें? Yes, अभी थर्ड इक्वेशन में फिर दोबारा यूज करेंगे इसका. चलो S एज इट इज, यू टी एज इट इज, हाफ एज इट इज, टी एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन लगाने की जरूरत तो नहीं है, अंडरस्टूड है? V की वैल्यू क्या रखूं? तो V की जगह क्या लिख दिया है? U प्लस ये माइनस का U एज इट इज आ गया, माइनस का U. अब यहाँ पर लिखा है तो हम इसका रीजन भी दे देते हैं, बिकॉज V इक्वल्स टू U प्लस रीजन जरूर मेंशन कर देना. ठीक है, ये तो हमें पता है ना, बैंक अकाउंट में पड़ा है, टीचर को थोड़ी ना पता है, चेक करते हुए. ये यहाँ से आया क्या? ये जो वी था देख लो, ध्यान से समझ लो कर्तव्य, ये जो वी था इसकी जगह क्या पुट कर दिया? यू प्लस. इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ये माइनस का यू एज इट इज, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? Yes, yes,
पक्का? यस सर। चलो देखते हैं क्या बचा। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी इंटू एटी। टी से टी की मल्टीप्लाई क्या टी स्क्वायर। ए एज इट इज और टी स्क्वायर आ गया वही जो चाहिए था। यस सर। तो अगर मन में ठान ली है तो वो मिल जाएगा। यस लेकिन ये सब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेरिवेशन। इसको बोलते हैं डेरिवेशन। क्वेश्चन कैसा आएगा? डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये हम पहले उसमें ग्राफ बनाएंगे, साफ साफ उसमें नेमिंग देंगे ए बी सी डी ई, जैसे मेरी तरह गंदी गंदी नहीं लिखनी आपको, ठीक है? उसके बाद आप क्या लिखोगे? ए हमें पता है डेट एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। कोई दिक्कत इसमें? फिर हम देखेंगे कि हमारे ग्राफ के अंदर जो एरिया आ रहा है वो तो दो फिगर्स में डिवाइडेड है, एक तो रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हम उसको किसके इक्वल रखेंगे? एक सेकंड के लिए समझ लो, फिर नोट कर लेना, आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी है बाद में, बस एक बार दिमाग में सेट कर लो उसको। एरिया अंडर द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। एरिया अंडर द ग्राफ को हमने दो फिगर्स में बांट दिया, डिवाइड कर दिया, रेक्टेंगल में और ट्रायंगल। ठीक है, तेज ध्यान दो इधर। रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया मिला के हमने टोटल एरिया क्या लिख दिया? एरिया अंडर द ग्राफ, क्योंकि किसके इक्वल था? एस के। एस को एज इट इज लिखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह क्या लिखा? लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह क्या लिखा? एस एज इट इज, लेंथ की बी सी, ब्रेथ की एडी, हाफ इनटू बेस कितना है? एडी, और हाइट कितनी है? एडी। ये तो हो गया ग्राफ के हिसाब से नाम। अब ग्राफ के हिसाब से सबकी वैल्यूज को पुट करते हैं। एस एज इट इज बीसी की वैल्यू हो गई टी, एबी की वैल्यू हो गई यू, प्लस हाफ एज इट इज एडी। एडी बीसी के इक्वल होगा कितना? ईडी में हमें हल्का सा कुछ दिमाग चलाना पड़ा था, ये पूरा वी था, इसमें से हमने यू को माइनस करा तब भी हमारे पास क्या आ गया था? ईडी आ गया था। किसके इक्वल? वी माइनस यू। ईडी की जगह हमने क्या लिख दिया था? वी माइनस यू। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ब्रैकेट में लगाते तो गलत हो जाता है, ठीक है? आप तो नहीं करोगे ऐसी गलती? अच्छा, तो उसके बाद एस एज इट इज टी यू की जगह क्या लिख दिया? प्लस हाफ एज इट इज टी एज इट इज वी माइनस यू एज इट इज। वी नहीं चाहिए हमें, कैसे पता? हमें ये इक्वेशन याद थी, हमने उसे देख लिया। क्या नहीं चाहिए? वी नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? तो वी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब वी की वैल्यू कहाँ से लाएंगे? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में गए तो क्या पड़ा था? वी इक्वल टू यू प्लस एडी। हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू चाहिएगी तो हम कहाँ जाएंगे? बैंक अकाउंट में वी की वैल्यू हमारे पास डायरेक्टली पड़ी हुई थी, यू प्लस एडी। तो वी की जगह क्या पुट किया? यू प्लस एडी माइनस यू, यू से यू। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी आ गया हमारे पास। yes, कितने लोगों को समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? अंडा को छोड़ के बाकी सबको समझ आ गया आपको भी? नोट इट डाउन, ये ग्राफ भी बना लेना, साफ साफ करना, मेरी तरह गंदा मत करना।